ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, बड़ी जानकारी। जहां चार राज्यों में चुनावी बिगुल बजेगा, जम्मू कश्मीर हरियाणा समेत चार राज्यों में विधानसभा चुनाव है और चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा। चार राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है, जहां आज तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस साल के आखिर तक होने विधानसभा चुनाव हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव संपन्न किए जा सकते हैं। इसके साथ ही हरियाणा में 2019 में एक चरण में मतदान हुआ था और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में पांच से सात चरणों में जो चुनाव है वो संपन्न किया जा सकता है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां आज चुनाव आयोग के द्वारा 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनावी जो तारीखें हैं उनका ऐलान किया जा सकता है। चार राज्यों में चुनावी बिगुल बजेगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं लाइव और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखिए चार राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और साथ ही साथ आज चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तारीखों का ऐलान किया जाएगा, और ज्यादा जानकारी क्या मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल, और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है दिल्ली के विज्ञान भवन में, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसी के साथ चुनावी बिगुल बजना है। माना जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है विधानसभा का, इसको लेकर कई दौर की बैठकें रही हैं, सुरक्षा को लेकर पड़ताल हुई है, वहां पर चुनाव आयोग की टीम गई थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण राज्य हैं दूसरे, उसमें हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी चुनावी बिगुल वो बजाया जाना है, महाराष्ट्र झारखंड में भी चुनावी बिगुल बजना है। तो कुल मिलाकर अगर देखें इस साल के अंत तक इन राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव आयोग ने इन राज्यों में अलग अलग बैठकें की थी, सुरक्षा की समीक्षा की थी, हालात का जायजा लिया था, राजनीतिक दलों से चर्चा हुई थी और इसके बाद अब चुनावी बिगुल बजने में कुछ घंटों का वक्त बचा है तो चुनावी बिगुल बजाया जाएगा। और खास बात करें हरियाणा की, बात करें तो हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ राज्य है और जिस तरीके से राजनीतिक गहमागहमी बढ़ी हुई है हरियाणा में, जिस तरीके से मार्च में जेजेपी बीजेपी गठजोड़ टूटा क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव का मुकाबला जो हुआ था उसमें बीजेपी को स्पष्ट जनादेश से वो दूर रह गए थे, इसलिए गठजोड़ बनाया गया, निर्दलीयों का सहयोग जुटाया गया और उसके बाद मनोहर लाल के अगुवाई में, मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में सरकार बनी थी। जेजेपी की ओर से दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था लेकिन मार्च में गठजोड़ टूट गया, नायाब सैनी आए और उसके बाद उन्होंने नई नई घोषणाएं की हैं। अब जबकि समीकरण बदला हुआ है, 87 विधायक हैं मौजूदा सदन में और अल्पमत की सरकार इसको विपक्ष बताता है, तो अब उनके पास मौका होगा अपने आप को साबित करने का। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही एक नई राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलेगी हरियाणा के चुनावी नजरिए से, इस मुकाबले पर बड़ी घमासान की उम्मीदें की जा रही हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद और जिस तरीके से वहां पर स्थायी शांति बहाली को लेकर प्रयास किए गए हैं उस दिशा के लिहाज से, और धारा 370 हटने के बाद और जो परिवर्तन वहां पर किए गए हैं उसके बाद यहां पर विधानसभा का चुनावी मुकाबला उसका बिगुल बज सकता है। और जिस तरीके से लगातार वहां पर सुरक्षा की समीक्षा हुई है, भले ही आतंकी घटनाओं उनका मुकाबला सुरक्षा बलों ने पूरी मजबूती के साथ किया है, तो ऐसे में कई चरणों में यहाँ पर मतदान कराया जा सकता है, 5 चरण तक मतदान हो सकता है, चर्चाएं 7 चरण की भी हैं लेकिन ये फैसला चुनाव आयोग को करना होगा। इसके अलावा झारखंड में भी चुनाव बिगुल बजना है, महाराष्ट्र में भी, और वो समीकरण भी यहाँ पर चर्चाओं में रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनावी बिगुल बजने के साथ ही आदर्श आचार संहिता वो भी लागू होनी है, ऐसे में इन राज्यों के चुनावी तारीखों पर नजरें लगी हैं क्योंकि 3 नवंबर को कार्यकाल मौजूदा हरियाणा में खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनावी तारीखों की बात करें तो निश्चित तौर पर जब पिछला चुनाव हुआ था 2019 अक्टूबर में, तो माना जा रहा है कि एक ही चरण में हरियाणा में चुनावी मुकाबला कराया जाएगा, 90 सीटों पर ये मुकाबला होना है और इसी के साथ एक बड़ा मुकाबला राजनीतिक तौर पर जमीन पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, एक बड़ा मुकाबला जमीन पर देखने को मिलेगा क्योंकि चार राज्यों में मतदान होने जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि अब आगे पीछे जो तारीखें हैं वो निकलेंगे। और जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया कि हरियाणा में एक चरण में मतदान संभव है क्योंकि, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली बार मतदान होने जा रहा है, तो वहां पर किस तरह से ये जो चुनाव है उसको देखा जा रहा है विधानसभा का और वहां पर क्या कुछ तैयारियां रखी जा सकती हैं?
देखिए बिल्कुल, और शुरुआत अगर जम्मू कश्मीर से करें तो 2018 में विधानसभा सरकार जो भंग हुई थी उसके बाद चुनाव नहीं हुए हैं, और उसके बाद जी जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे, तब बीजेपी और पीडीपी का गठजोड़ बना था। हालांकि बाद में बीजेपी ने ये गठजोड़ तोड़ दिया था, और उसके बाद 2018 में भी 18 में जब बीजेपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी, उसके बाद जब यहाँ पर जो तमाम परिवर्तन किए गए और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और विधानसभा बरकरार रखने को लेकर भरोसा दिया गया था कि जल्द चुनाव होंगे, तो एक कोर्ट में भी मामला गया था, और उसके बाद यह अदालत की ओर से कहा गया था कि सितंबर तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अब चुनावी बिगुल जम्मू कश्मीर में बज सकता है, हरियाणा में नवंबर में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, 90 सीटों पर चुनावी मुकाबले पर नजरें रहेंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजना है, झारखंड में बजना है, और इसीलिए महाराष्ट्र में इसी साल नवंबर के में सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ऐसे में जो शिंदे सरकार गठबंधन की सरकार है वो भी एक चुनावी मुकाबले में उतरेगी। उद्धव ठाकरे और जो महागठजोड़ है बना हुआ समीकरण बदले हैं उन पर नजरें रहेंगी। झारखंड में भी चुनावी मुकाबला दिलचस्प रहेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर वापसी की, चंपन सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था लेकिन एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में झारखंड का चुनावी मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर के लिए देखी जा रही है, क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहली बार होने जा रहा है, बाकी 3 राज्यों में है, वहां पर भी जो कड़ी टक्कर है वो साफ तौर से देखने को मिलेगी। बात अगर हम झारखंड की कर ले तो वहां पर भी सामने सामने देखने को मिलेगा जो टक्कर है, और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र भी आ जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से सत्ता पलट हुई थी वो भी एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से समीकरण बदले लोकसभा चुनावी मुकाबले में, महाराष्ट्र में एक बड़ी बढ़त विपक्षी गठजोड़ ने बनाई थी, और ऐसे में इसको बरकरार रखने के लिए वो चुनाव मैदान में यहाँ पर एक नई रणनीति के साथ दिखाई देंगे। हाल के दिनों में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने इस गठजोड़ को मजबूती दी है, तो नजरें लगी हैं एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी, और इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव ठाकरे है वो, और साथ ही कांग्रेस, उनका जो गठजोड़ है वो बीजेपी गठजोड़ पर कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बीजेपी के साथ गठजोड़ की सरकार है। ऐसे में समीकरण बदले हुए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहेगा। निश्चित तौर पर इस मुकाबले पर तमाम नजरें इस लिहाज से भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम में एक बड़ा झटका बीजेपी को महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम में मिला है, लिहाजा इस पर तमाम नजरें रहने वाली हैं। झारखंड का भी एक बड़ा मुकाबला, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर करप्शन के चार्ज लगाए गए और उसके बाद यहां पर जमानत मिली हेमंत सोरेन को, उन्होंने वापसी की है, अब वो जनता को कितनी राहत आती है उसकी परीक्षा भी होनी बाकी है। तो निश्चित तौर पर झारखंड और महाराष्ट्र का एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हरियाणा में बड़ा मुकाबला इसलिए क्योंकि जो लगातार सत्ता में वापसी की कोशिश बीजेपी करेगी वहां पर, और पिछली बार जो कमोबेशी रही गई थी, क्या वो बदले हालात में नायब सैनी की अगुवाई में यहाँ पर वो कमी पूरी कर पाएंगे, बड़े सवाल है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति का मिजाज हमेशा बदला हुआ नजर आता है और चौंकाने वाले परिणाम वो राज्य देता रहा है, लिहाजा ये नजरों में रहेगा। जम्मू कश्मीर निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, और ऐसे में देखना होगा कि कितने चरणों में यहाँ पर मतदान कराया जाता है और कैसे आतंकी चुनौती से जूझ रहे समीकरणों को साधा जाता है, राजनीतिक तौर पर सुरक्षा के माहौल के बीच कैसे इस राज्य में चुनावी मुकाबले को संपन्न कराया जाता है। अब बिल्कुल है, लेकिन इस बीच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसा कि आपने अभी हरियाणा का जिक्र किया, तो यहाँ पर भी जो जोरदार टक्कर है बीजेपी कांग्रेस के बीच देखने को मिलेगी, क्योंकि विधानसभा की अगर बात कर ले तो विधानसभा में तो पिछली 2 बार से बीजेपी ही काबिज है, लेकिन लोकसभा के जो नतीजे आए थे उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर जो बीजेपी का भ्रम था वो तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर बराबरी का मुकाबला देखने को मिला, 50-50% जो सीटें थी दोनों के खाते में गई थी। देखिए बिल्कुल, और हरियाणा में जिस तरीके से जो किसान आंदोलन का असर देखने को मिला, पंजाब से सटा हुआ है और किसान बहुल प्रदेश है, ऐसे में उनके मुद्दे छाए हुए थे और कहीं ना कहीं ये मुद्दे प्रभावित करेंगे इस चुनावी मुकाबले को, ये कहा जा रहा है। दूसरा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, भले ही मार्च में जेजेपी और बीजेपी अलग अलग हो गए हों, लेकिन इसको लेकर बड़े यहाँ पर विरोधी कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए थे, और इसे कहा गया कि ये गुप्त गठबंधन है, अभी भी पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, ये आरोप
कांग्रेस लगाती रही है, तो दूसरी तरफ जेजेपी जो आईएनएलडी से अलग होकर जेजेपी का गठन हुआ था, अब चतुष्कोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश हरियाणा के चुनावी मुकाबले में रहेगी। लेकिन आईएनएलडी की बात करें, वो कितनी चुनौती पेश कर पाएंगे, क्योंकि अब जब जेजेपी अलग हो गई है, उसका वोट बैंक साझा वोट बैंक माना जाता है, दूसरी तरफ कांग्रेस सीधे चुनौती देगी यहाँ पर, ये कहा जा रहा है। अगर वो गुटबाजी को थाम लेते हैं, अच्छे कैंडिडेट आते हैं, तो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलेगा। दूसरा, बीजेपी के लिए एक बड़ा दांव इस लिहाज से क्योंकि उन्होंने नायब सैनी को मैदान में उतारा है, और हमने देखा है कि नायब सैनी ने बड़ी लोकप्रिय घोषणाएं की हैं, एमएसपी गारंटी देने का वादा किया है किसानों के लिए, उनको साधने के लिए, हर वर्ग को साधने के लिए बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं इसके बाद एक, तो वो कितनी रास आती है जनता को, उसकी परीक्षा होनी बाकी है। तो हरियाणा का एक चुनावी मुकाबला, बड़ा चुनावी मुकाबला बनकर उभरेगा, चुनावी बिगुल बजने के साथ ही असली मुकाबला भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, फिलहाल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।